का समर्थन दिया जा रहा है। मलार मालोनी के जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर काम करने के लिए एक भूमिपुत्र की ज़रूरत थी और वहाँ पर सन ऑफ द सॉइल शकील हसन पटनी साहब आज मैदान में हैं, जिनके समर्थन में ओबीसी एंटी पार्टी ऑफ इंडिया और तमाम एनजीओस जिनके नाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं खुद मेरा भी एक परिचय देता चलूँ, मैं नेशनल ग्रेजुएट्स फोरम का प्रेसिडेंट प्रोफेसर सज्जाद मापारी हूँ और हमारे तरफ से नेशनल ग्रेजुएट्स फोरम की तरफ से शकील हसन पटनी साहब को इस इलेक्शन के लिए समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही साथ और जो एनजीओस हैं बड़े पैमाने पे जो साथ में पटनी साहब के काम करेंगे वो है एनलाइटन इंडिया, मिली काउंसिल, इंडियन उलेमा काउंसिल, इंडियन मिल्ली काउंसिल, ओबीसी एंटी पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया माइनॉरिटी यूथ फ्रंट और इसके अलावा कई सारे एनजीओज हैं जो ग्राउंड लेवल पर पटनी साहब के साथ काम करेंगे। वहाँ के मुद्दों के लिए वहाँ के जो प्रस्तापित जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके आज तक कोई काम न करने की वजह से वहाँ की जनता त्रस्त है और उस जनता की उस त्रासदी को दूर करने के लिए, उनके मुद्दों को, मसलों को हल करने के लिए श्री शकील हसन पटनी साहब वहाँ पर आज MLA का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। हम चाहते हैं कि हम बुके और शॉल देकर आपका जो है स्वागत करें और हमारा समर्थन भी व्यक्त करें। सो प्लीज़ पोखरे सर निकला ही नहीं हुआ, उसके अलावा फिर मैंने MC का विजिट लगा, उसके बावजूद भी अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। उसके अलावा लोकसभा स्पीकर साहब का विजिट करवाया लास्ट एक महीना पहले, देन ऑल्सो नो रिजल्ट। तो इससे साबित हो गया कि मेरे जैसा आदमी जो इतना स्ट्रगल, इतना एक्सरसाइज करने के बाद जिसको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एक गरीब आदमी अपने घर को, अपनी छत को कैसे बचा पाता होगा, वो कहाँ कहाँ जाके स्ट्रगल करता होगा, कितने कितने के पापड़ बेलता होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग ने हमारे संगठन जो है, हमारे संगठन के श्री योगेश मांजरेकर जी, श्री अफजल शेख साहब और हमारे हाजी असलम सैयद साहब, हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग आज़ाद उम्मीदवार से कॉन्टेस्ट करें। तो हमने आज़ाद उम्मीदवार से फॉर्म भरा और आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से वो फॉर्म हमारा एक्सेप्ट हो गया और हम लोग आज सिलेंडर गैस का बाटला लेके हम मैदान में हैं। जब हमने फॉर्म भरा था उस वक्त हम 7वें नंबर पे थे, आज हम आपके आशीर्वाद से 3रे नंबर पे लड़ाई में उतरे हैं। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। जैसा कि मालूनी की जो जनता है, खासकर अंबुजवाड़ी, आजमी नगर, वहाँ पानी का प्रॉब्लम, रोड का प्रॉब्लम, इनलीगल कंस्ट्रक्शन, ड्रग्स का प्रॉब्लम, मतलब ड्रग्स एडिक्ट इतने हैं बच्चे, जवान जवान, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम है तो बेरोजगारी, 75-80% वहाँ बेरोजगारी है, जिसको आज तक कोई डेवलपमेंट किसी के लिए नहीं किया गया। और उनसे बड़ा मुद्दा है मलाड स्टेशन से अगर आपको मालवनी, माडा और अंबुजवाड़ी आना है तो इट विल टेक 1.5 आवर और 2 आवर्स, क्योंकि इतना वहाँ पे ट्रैफिक, इतना हैवी ट्रैफिक है कि अगर एक एम्बुलेंस भी जाना हो तो वह पहुँच नहीं सकती बिफोर 2 आवर्स के। उसके अलावा वहाँ के आमदार असलम शेख साहब, पहले 90 लाख की पार्टी थी, वहाँ के जो आमदार है उनका भी प्रोग्रेस बहुत स्पीड में हुआ है, लेकिन जनता का प्रोग्रेस नहीं हुआ। वहाँ के लोगों ने आज तक पानी के लिए, टॉयलेट के लिए इतना सफ़र कर रहे हैं, अभी जैसे मैं 3-4 दिन से कंटिन्यूस दौरा कर रहा हूँ अंबुजवाड़ी का, आजमी नगर, लोग मेरे लिटरली पैर पर पड़ पड़ के मुझे रिक्वेस्ट करते कि भाई हमें पानी ला के दे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसा कल सुबह ही विचार होगा, ऐसा एक आस हो गई है कि मैं पानी ला के। तो मैंने अभी कल वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग लेके मैंने उधर ऐलान किया कि मैं 10 बोरवेल डाल के दूंगा अंबुजवाड़ी को और आजमी नगर। और उसके अलावा वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्कूल का प्रॉब्लम, स्कूल इतनी महंगी हो गई है और स्कूल वहाँ पे कॉरपोरेशन की स्कूल तो टोटली बंद हो गई है, टोटली बंद कर दिया गया। और वहाँ के मलाड के नगर सेवक टोटली ब्लाइंड एंड डेफ्ट है, दे आर नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल,
उन लोगों का सिर्फ एक ही है कि बस हमारा राज चलना चाहिए, हमारी आमदार साहब आना चाहिए, हमारे खासदार साहब आना चाहिए, उसके अलावा उनको दूसरा कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है। सबसे धड़ल्ले से काम चलता है इनलीगल एक्टिविटीज़। इनलीगल लैंड माफिया ने आधे से ज़्यादा मैंग्रोव्स को कवर कर चुका है पूरे मालोनी के पीछे मठ के तरफ, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो कलेक्टर लैंड हो चाहे बीएमसी की लैंड हो। उसके लिए हम लोग लगभग 15 साल से फाइट कर रहे हैं, और एक वार्ड में नहीं, हम टोटल 24 के 24 वार्ड में हम फाइट करते हैं। आज तक उसका किसी चीज़ का निकाल नहीं आया, तो वो सोच के हम खुद सोचे कि हम आमदार का इलेक्शन में उतरें, हमारे अंदर वो काबिलियत तो नहीं है कि हम लीडरशिप पैदा करें। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो, सर लोग का आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिकली वो लोग अगर बिल्डिंग में कन्वर्ट होते, जैसा कि कोई स्पेशल जोन जैसा एसआरई के अंदर 33 10 का स्कीम है, रीडेवलपमेंट बॉम्ब साउथ में 33 7 का स्कीम है, तो वैसा कोई स्पेशल जोन उसको डिक्लेयर करके उसका डेवलपमेंट किया जाए तो स्लम जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उसको डेवलप करना होगा, डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली रोड बाहर निकलेगा और स्लम्स कटेगा। स्लम कटने के बाद ही, क्योंकि आज तक 35 साल से अम्बुजवाड़ी के अंदर जो स्लम ड्वेलर हैं उन लोगों का आज तक वहाँ टॉयलेट और पानी की फैसिलिटीज़ नहीं। कल रात को मैं 9:00 बजे वहीं था, वो लोग लिटरली लेडीज़ और जेंट्स पैर पड़ रहे थे, बोले सर हमको पानी और टॉयलेट की सुविधा नहीं है, टॉयलेट है तो भी चालू नहीं है, वो भर जाते। अभी दो टाइम के आमदार हैं तो बट अभी उस बोलबाला होगा, और हम तो सोशल एक्टिविटी से, वी आर नॉट ए प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। बस सर आप बार बार कह रहे हैं कि मैं सुना भी सुनवाए मैं उसमें घुसने का रीज़न ये है कि हमको जब पता चला कि न्याय हमको नहीं मिल पा रहा, तो जो इतना हम लोग आए, मैंने पहले भी कहा कि हम इतना स्ट्रगल इतना एक्सरसाइज करने के बाद कुछ स्लम्स को लेके मैं फाइट कर रहा हूँ, जैसा कि कुछ स्लम डेवलपर को मैंने अंदर करवाया एसआरए के प्रोजेक्ट के अंदर जिन्होंने बोगस पेपर बनाया, बट वो लोग मनी एंड मसल्स पावर के ऊपर बाहर आते। तो मेरे जैसा आदमी जब स्ट्रगल करने के बाद जब इतने लेवल पे आता है, जैसा मिलियनर रियलिटी का एक एग्जांपल है, उसके ऊपर 156(3) करवाया, 156(3) कराने के बाद उसको मैंने जेल में डालने तक मैंने कम से कम 1.5 साल स्ट्रगल किया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, बहुत एक्सरसाइज किया, तब जाके वो जेल अंदर गया। अंदर गया तो भी 8 दिन के लिए गया, 6 दिन के लिए। तो उतना सोर्सेज, उतना आउटपुट लगाने के बाद जब एक आदमी को ये रिजल्ट मिलता है तो साधारण और सिविल आदमी को क्या मिलेगा। आज भी लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट किधर है यह नहीं मालूम, स्लम के अंदर एसआरए का ऑफिस किधर है वो नहीं मालूम है, ये क्या है। इसका मतलब ये है कि कितना हमारे अंदर प्रॉब्लम है। कोई कुछ तो बॉम्बे हाई कोर्ट तो बोलते दिल्ली में, स्लम में अगर आप लोग देखते होगे तो आप जाके अगर मालूम लोगे तो आपको किसी को अनजान को पूछो बॉम्बे हाई कोर्ट किधर है तो बोले कि दिल्ली में, एसआरए किधर है तो बोले नहीं मालूम। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडियोज है बट वो इनलीगल है, मैक्सिमम इनलीगल है, क्योंकि वो सब बड़े बड़े स्टार्स लोगों के। अगर एक स्लम ड्वेलर ग्राउंड ट्रस्ट 2 बनाता है तो बीएमसी कॉरपोरेशन आके उसके ऊपर एक्शन लेती है, और वहाँ पे 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार फुट के स्टूडियो बनते हैं, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको महीने का 8-8 लाख 6-6 लाख रुपए उनको रेंट आता है। आपको बता रहे हैं जो ये बात कर रहे हैं मालवनी में रहते हैं, जो बता रहे हैं आप बिल्कुल सही बातें बता रहे हैं। जी बताइए, बहुत ही ईमानदार बताइए, पुष्कर बताइए। नशे की बात हुई वहाँ पे, वो कैसे आप कॉल करें, क्या करें, क्या कदम उठाएंगे बेटा? सर उसके लिए हमको आपकी सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत एक्सरसाइज किया उसके ऊपर भी, लेकिन कुछ नहीं होता है, प्रेशर आता है, लोड आता है, हमको धमकी आती है जो आ चुकी है। अभी इलेक्शन के अंदर हमारे जितने भी, अगर हम आपकी सोसाइटी में आते हैं, आप मालोनी में रहते हो तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अगर आपकी सोसाइटी में आ रहे मिलने तो अगले एक घंटे में आपको किसी न किसी पिट्टू का फ़ोन आता है कि भैया उनको साथ दोगे तो ध्यान रखना आप आगे चल पाओगे या नहीं चल पाओगे। तो ये क्या है, मतलब ये तो गुंडा राज है। और यहाँ पे आजकल वो कहते हैं कि एक्टिविटीज
वो इंशाल्लाह मरते दम तक चालू रहेगा, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। और हमारा एक ऐसा हमारी एक इच्छा है कि हम एक एफिडेविट बनाएं जनता के लिए, उस एफिडेविट के अंदर हम सारे मुद्दे लिख दें कि हम इस मुद्दे पे एक्सरसाइज करेंगे हर चीज़ से, तन मन धन से जनता के साथ में, और उसको सॉल्व करने का पूरा पूरा हम लोग कोशिश करेंगे। उसमें जहाँ तक कि हमको लगेगा हम जनता का सहयोग भी लेंगे, और अगर उसमें उस एफिडेविट के माध्यम से अगर जनता को लगता है कि ये कैंडिडेट बराबर नहीं है तो उसमें हमें क्लॉज भी मेंशन करवा दें कि हमको एनी टाइम ये लोग विड्रॉ करा सकते हैं। वो जो है हम 18 तारीख, हमको अभी तक ग्राउंड का परमिशन नहीं मिला है, वो हम बड़ी सभा में जैसा सर ने हमको डायरेक्शन दिए, हमको आदेश दिए हमारे वरिष्ठ ने कि उस तरीके से आपको वो करना है ताकि एक हमारा नया महाराष्ट्र के लिए एक नया पैगाम जाए कि जो कैंडिडेट बड़े बड़े आश्वासन देता है काम नहीं करता है उनसे एक एफिडेविट लेके जनता का भी तो अधिकार बनता है ना कहीं ना कहीं, राइट टू विड्रॉ उमेदवार उभा केलेला आहे। लक्षात घ्या, पटनी साहेबांचा उमेदवार म्हणजे लोकांनी जो दडपलेला आवाज आहे तो पटनी साहेबांच्या रूपाने गॅस सिलेंडरच्या रूपाने तिकडे प्रकट होणार आहे। पहला काम जो होगा जीत दिया भगवान के, तो पहला कार्य होगा कौन सा होगा? उस वक्त पानी का सबसे अव्वल जो प्रॉब्लम है पानी का, और उसके अलावा वो टॉयलेट गए वहाँ पे अम्बुजवाड़ी में, आज भी लेडीज एंड जेंट्स झाड़ों में जाके बैठते हैं। ये हमारे मुंबई के अंदर ये प्रॉब्लम है, जो मेट्रो सिटी है मुंबई, जो देश की शान है उसके अंदर ये हाल है। अभी अब सिटीज़ का क्या हाल होता है? पानी जैसा कि अहम मुद्दा तो सभी है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा मेरा रहेगा कि SRA के अंदर 550 फुट कारपेट स्लम ड्वेलर को दिया जाए। जैसा अगर गवर्नमेंट को कहीं बेनिफिट लगता है तो अपने रोड को वो लोग मॉडिफाइड करते, गार्डन को, ग्रीन बेल्ट को मॉडिफाइड करते, गार्डन को शिफ्ट करते, कब्रिस्तान को शिफ्ट करते, वैसा हम एक जैसा 2625 था 269 हुआ, आज उसका हमारा मुद्दा रहेगा कि गवर्नमेंट 550 फुट कारपेट स्लम ड्वेलर को दिया जाए। क्यों कि 550 कारपेट नहीं देते आज, भले 200 फुट का घर था स्लम ड्वेलर, तो वो 200 फुट के घर में 100 फुट का उसने स्पेस अंदर ले लिया तो उसका 300 फुट हो गया, और 300 फुट ग्राउंड, 300 फुट आप ग्राउंड प्लस वन, तो नीचे दो भाई है, ऊपर एक बहन भाई है, तो चार फैमिली एक स्लम में आज एग्जिस्ट है और खुशी है, खुश है। कहाँ झोपड़पट्टी एकदम प्योरली झोपड़पट्टी जैसा अम्बुजवाड़ी, आजमी नगर, वहाँ के लोग दुखी हैं। आप